हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है श्री परमहंस कोचिंग सेंटर में। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 10 का टॉपिक रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अपक्रिया क्या होता है? वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है, जो पदार्थ होता है पहले की अपेक्षा उसका गुणधर्म बदल जाता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे रासायनिक अपक्रिया की पहचान। तो लिख लीजिए, रासायनिक अपक्रिया को निम्न प्रयोगों रासायनिक अपक्रिया को निम्न प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा निम्न प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा पहचाना जाता है। देखिए, कैसे पता चलेगा कि इसमें कोई पदार्थ है जिसमें रासायनिक अपक्रिया हुआ है? जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन H2 गैस होता है प्लस ऑक्सीजन O2 गैस होता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं तो आपका बनता है H2O, जो कि एक लिक्विड होता है। तो अब हाइड्रोजन के दो मोल है ऑक्सीजन के, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन भी दो से गुणा कर देंगे तो आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा और हाइड्रोजन भी। इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कैसे हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है और जो पदार्थ नया बना है वो आपका लिक्विड है। तो रासायनिक अपक्रिया वह क्रिया होती है जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस दोनों अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक लिक्विड, जल, द्रव, शीतल, ठीक है। तो रासायनिक अपक्रिया के पहचानने के कुछ कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन आपका होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में, देखते रहिए आप सब, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा होता है आपका, दूसरा आपका होता है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन तीसरा होता है आपका ताप में परिवर्तन। चौथा होता है अवक्षेप का निर्माण। और पांचवा होता है गैस का निकलना। देखिए, अवस्था में परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, जब हम कोई रासायनिक अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। बोलते रहिए आप सब भी, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक समझ में आए, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों क्या है, अभिकारक। क्या है, अभिकारक, ये भी आपका अभिकारक है और ये आपका क्या है, उत्पाद, ठीक है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, तथा अपक्रिया के पूर्ण स्वरूप प्राप्त प्रतिफल को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो अभिकारक तथा उत्पाद के जो द्रव्यमान होते हैं वह सदैव क्या होते हैं, निश्चित होते हैं ना, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक संयोग का नियम क्या है, रासायनिक संयोग के नियम जो क्या होता है, उसका जो अभिकारक तथा उत्पाद के जो द्रव्यमान होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया पहचानने का, हमको कि रासायनिक अपक्रिया पहचानने के लिए हमको क्या होना चाहिए, कोई भी पदार्थ है जिसका रिएक्शन करा रहे हैं, यदि उसके अवस्था स्टेट में परिवर्तन हो गया तो उसमें रासायनिक अपक्रिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में था तथा ऑक्सीजन भी किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में,
दोनों मिलकर बना दिए क्या H2O लिक्विड जल, किस अवस्था में? लिक्विड अवस्था में, तो अवस्था परिवर्तन हुआ ना। उसके बाद रंग भी परिवर्तन होगा, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ अलग रंग रहा होगा, यहाँ पे कुछ अलग हो जाएगा, ताप परिवर्तन भी हो जाएगा, इस दोनों का ताप अलग अलग होगा, यहाँ बनने के बाद दूसरा ताप हो जाएगा। अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप का मतलब क्या होता है? प्रयोगशाला में जब हम कुछ बनाते हैं तो जो परख नली में बचा हुआ पदार्थ रहता है वही क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है। ठीक है, गैस का निकलना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी हो गई जिसमें गैस निकलता हो उससे भी हम क्या कहते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे मान लीजिए यदि हम हाइड्रोजन की क्रिया नाइट्रोजन से करा दें ना, हाइड्रोजन की क्रिया नाइट्रोजन से करा दें तो क्या हो जाता है? अमोनिया बन जाता है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा? यहाँ करेंगे हाइड्रोजन में 3 से गुणा, ठीक है, आपका हो जाएगा 2NH3। अब नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है और ये नाइट्रोजन गैस है, ये दोनों मिलकर एक और गैस का निर्माण कर रहे हैं, किसका? अमोनिया ना। तो यौगिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी निश्चित अनुपात में, किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग के नियम से मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। इसमें क्या होगा? जितना अभिकारक में किसी पदार्थ की मात्रा होगी उतना ही आपको उत्पाद में मिलेगा ना, 1% कम मिलेगा ना 1% बेसी। तो रासायनिक सहयोग का नियम मतलब कि इधर का भी द्रव्यमान और इधर का भी द्रव्यमान, आयतन चाहे किसी भी दृष्टि से देख ले, सब क्या होगा? बराबर होगा।